सो गाइस, हम पहुंच चुके हैं अपने होटल। हम स्टे किया है, ये देखिए पीछे कंट्री इन। सो गाइस, आते ही हमें मिला है वेलकम ड्रिंक। देखते हैं कैसा है। ठीक है, थोड़ा मीठा ज्यादा है बस। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। सो गाइस, की हमने ले लिया रूम की और हम एंट्री लेंगे। हमें चलना है आगे और हमारे रूम पार्टनर से हम आपको मिलवाते हैं गाइस। वो है योगी भाई, क्योंकि भाई सबसे लास्ट है, रूम हमारा है। ये हमारे रूम पार्टनर है। लो जी, चेक इन करिए। ये देखिए गाइस, ये हमारा रूम है जो कि हमें अलॉट हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, अब बाथरूम भी दिखा देते हैं आपको। मस्त रूम है। 3 डेज के लिए यहीं पे हम स्टे कर रहे हैं, बाकी रेडी हो जाते हैं आगे के लिए। फिर दिखाएंगे हम आपको कहाँ जाते हैं। सो गाइस, रेडी हो चुका हूँ मैं बाहर जाने के लिए। और कैसा लग रहा हूँ मैं बताए। कैमरामैन जल्दी फोकस करो। देखिए नया ब्रदर हमारे, क्या कल से ढूंढ रहे हैं हम। दिख रहा हूँ। अरे पूल में था क्या? बाहर पे। अच्छा, अभी जाएंगे पूल में। चलो हेलो कर दो। हेलो पीपल। सो गाइस, सबसे मोस्ट डिमांडेंट प्लेस आ चुके हैं। हम आ चुके हैं पूल पे। कल 2 दिन से तो हमने बहुत मस्ती की है पूल में। अच्छा, और यहाँ भी, यहाँ तो पूरा बड़ा वाला पूल है, फुल एंजॉयमेंट होने वाला है। क्यों सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल यार, बहुत मजा आएगा अभी। बहुत मजा आएगा। सो गाइस, पूल के पास आए थे, आए हमारा भाई मिला साहिल। ये आ चुका था कल से यहीं पे, बाहर बैठा हुआ था। देखिए हम कुछ लोंडे तैर भी रहे हैं। और देखिए, सो गाइस अब निकल रहे हैं अपने होटल से बाहर गोवा को एक्सप्लोर करने के लिए। गाड़ियां निकल चुकी हैं, बस बैठना बाकी है। सो गाइस, हम पहुंच चुके हैं अगोडा फोर्ट। गोवा का मोस्ट डिमांडेड प्लेस है ये, और बहुत सारी मूवीज में भी आपने देखा होगा। बाकी अंदर चलते हैं, फिर आपको अच्छे से दिखाएंगे। सो गाइस, एंट्री ले ली हमने और यहाँ के जो टिकट फेयर है वो है 25 रुपीस। सो गाइस,
पहुंच चुके हैं हम मैन प्लेस में। यही है वो पीछे लाइट हाउस बनाया हुआ है इन्होंने, और बहुत पुराना है ये, अंग्रेज़ों के टाइम का है। और ये जो जगह है आपने बहुत सारी मूवीज़ में देखी होगी। बाकी यहाँ के सबसे मस्त व्यू मैं दिखाता हूँ आपको। सो गाइस, मोस्टली यहाँ पे क्या है कि बस ये बाउंड्री वगैरह है और ये लाइट हाउस है, बाकी समुंदर है आसपास, और यहाँ बीच नीचे जेल हुआ करती थी पहले। अच्छा, हमको सिखा रिया है। सो गाइस, हम पहुंच चुके हैं कौंडलिम बीच पे, मतलब अभी तो पार्किंग में हूँ मैं। और गाइस, मैं आ चुका हूँ, मेरे जैसे बाल उड़ रहे हैं, समझ जाओ मैं कहाँ पे हूँगा। बीच, तो अब बीच पे आ गए हम, और इस बीच का नाम है कैंडोलिम। और मौसम भी बहुत ज़्यादा मस्त हो रहा है, और बीच पे तो हवा ऐसी चल रही है कि मैं आपको बता नहीं सकता। दिखाता हूँ गाइस आपको, ये देखिए, गाइस एक गलती और मैंने छोटी सी कर ली थी, वो थी कि मैं शूज़ पहन के आ गया, मेरे को पता नहीं था, बट कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पे अपने शूज़ उतार दिए हैं और बाकी जीन्स फोल्ड कर ली है, और अपन चलते हैं एंजॉय करने के लिए। गाइस, वेव से हम कबड्डी कबड्डी खेलेंगे। सो गाइस, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, हवाएं चल रही है मस्त, और ये देखो अरे यहाँ कहाँ बैठे हुए हैं, बहुत बुरी हालत हो गई चलते चलते। अच्छा, बहुत चला है तुमने। नहीं, अब तो रिलैक्स के लिए बिठाए यहाँ पे बीच पे, ये बढ़िया है। वो जो हम किले पे गए थे, हाँ यार, वहाँ बहुत चलना पड़ा। कोई बात नहीं, अब रिलैक्स करो यहाँ पे। बाकी पब्लिक आई इधर है, ये देखिए। हिमांशु भाई क्या कर रहे हो, चिल। अरे भैया ने राम राम, कल आपने देखा होगा हमने स्विमिंग करी थी पूल में, पूल में। आज हम आपके पास आ गए हैं बड़े तालाब में स्विमिंग करने के लिए, समुद्र में। हमारे पीछे है इसके मजे अलग है भाई, इसके मजे अलग है। वो वीडियो में दिखाया, वो सामने से फील कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके बाद हम अपनी डाइट लेंगे, इसके बाद अपनी देसी डाइट लेंगे। तो गाइस, बीच पे हो गई थी बारिश, जिसके कारण हमें अपने होटल आना पड़ा। तो अब थोड़ा सा रेडी हुए हैं, क्योंकि अब डिनर है होटल में, तो वहीं जा रहे हैं। और जाते जाते हमें कौन मिला, हमें मिला भाई जतिन। और भाई तो कहाँ है डिनर फिर हमारा, नीचे लॉन्ज में, लॉन्ज में जाना है। चलो चलते हैं फिर, मैं सोचा था मैं अकेला ही हूँ, बाकी भी मिल गए। चलो गाइस, डिनर पे मिलते हैं। चलो गाइस, देखिए गाइस, हम पहुंच चुके हैं अपने डिनर की ओर।
सो गाइस अब पहुंच चुके हैं हम डिनर करने के लिए और अपनी प्लेट लगाते हैं और स्टार्ट करते हैं। बाकी इतने आ जाएंगे, मैं मुझे लग रहा है मैं ही जल्दी आ गया हूँ, बट कोई नहीं। सो गाइस डिनर तो कर लिया है हमने, भाईसन कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये, मतलब कुछ भी आधा दूर आता है। क्या है? बनाने हैं हाथ, लेकिन कंटिन्यूस आपको बनाना है। सो गाइस आज हमारी एक्टिविटी जो बीच पे होने वाली थी वो बारिश के कारण स्पॉइल हो चुकी है, तो बीच पे तो नहीं जा रहे, हमारे ये होटल के लॉबी में ही एक्टिविटी है एक पेंटिंग की, तो वही होगी। क्यों सर? बिल्कुल सर, बीच में तो जा नहीं पाएंगे हम, नहीं बारिश हो रही है ना, बारिश बहुत हो रही है यहाँ पे, तो यही एक्टिविटी करेंगे और दिखाएंगे क्या एक्टिविटी है। आपको याद है ऑफिस में सबने एक एक चिट उठाई थी, उसके एक एक कलर लिखा था, वो आपकी टीम है, इट्स अ ग्रुप एक्टिविटी, तो यहाँ पर कलर्स डिवाइड हो जाए, मेरे लेफ्ट में सबसे ज्यादा ब्लैक, देन व्हाइट, सो गाइस मेरा है वाइट कलर और वाइट ग्रुप बना है मेरा और हमें बनानी है पेंटिंग। अब देखते हैं, डिस्कस करते हैं कि क्या बनाना है। नियॉन कलर यूज कर रहे हैं तो उनका शाइन वहां पे इफेक्ट कर देंगे। सो गाइस हम पेंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं और जब बन जाएगी तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या बनाया है। सो गाइस सबकी एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी है सिवाय हमारे, कि हमने अभी सोचा ही नहीं कि क्या बनाना है और सारी टीम लग चुकी है बनाने के लिए अपनी पेंटिंग, और मैं दिखाता हूँ आपको कि क्या क्या बना रहे हैं लोग चुपके से। गाइस हम आ गए अपनी टीम, सो गाइस देखिए सबने टीका लगा रखा है आज, गॉड की ब्लेसिंग है, टीका नहीं बोलोगे? हाँ बिल्कुल, गॉड की ब्लेसिंग, आशीर्वाद है, आशीर्वाद है, विजय तिलक है ये, विजय तिलक हमारी जीत का, बिल्कुल जो अभी बजेगा। और एक टीम मेंबर हो रहे हैं और इनके पेंटिंग है हमारे रिजल्ट। सो गाइस सबका बहुत ही ज़्यादा अच्छी पेंटिंग बनी है सबकी, जैसे मैंने आपको दिखाई सब बढ़िया बढ़िया पेंटिंग बना रहे हैं और हम अपनी पेंटिंग के पास चलते हैं कि उनकी कितनी कंप्लीट हुई, हमारी अपनी खुद की। एक ट्री बनाने की कोशिश की गई है। सो गाइस सबकी पेंटिंग सबमिट हो गई और सबको लॉबी खाली करने को बोला कि सब बाहर वेट करो, तो सारे लोग बाहर के वेट कर रहे हैं, मेरे को छोड़ के बस। काफ़ी ज़्यादा हम लोग जो थके हुए वो रेस्ट करो,
जिसका नाइट आउट का प्लान है वो नाइट आउट करें, पांच की छुट्टी कोई शो नहीं। गाइस हम पहुंच चुके हैं बागा बीच और ये सामने हिंद महासागर बीच पे गए थे बागा बीच पे और देखो कितनी तेज बारिश है और भीग गया मैं तो। अब मैं होटल आया हूँ। सो गाइस इस वाले ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।